आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ग्रुप लोकसभा चुनाव लड़ने की अलग अलग बात कर रहे हैं। वहीं इंडिया अलायंस पर बीजेपी के संगठन महामंत्री ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत है, जिससे इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं डरा सहमा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि डर की वजह से इंडिया अलायंस ग्रुप बनाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ रही है और सरकार का प्रयास जारी रहेगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देश के विकास में लगी हुई हैं। जनता की भावनाओं के अनुरूप, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार दोनों सरकारें हमारी काम कर रही हैं और विकास कार्य में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इससे घबरा करके जो विभिन्न विचारों के लोग हैं, विभिन्न सोच के लोग हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के भय से एकत्र हुए हैं। जो INDIA का इन्होंने एक अलायंस बनाया है, वो अलायंस केवल भय के कारण पैदा हुआ है, क्योंकि हमेशा जितने भी ये दल आपस में मिले हैं, ये आज तक हमेशा आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए आए। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी भले ही भय के कारण ये इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे में, चुनाव के वक्त में बार बार इनके आपस में जो मतभेद हैं, जो इनके बीच की लड़ाई है, वो बार बार सामने देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से देश के विकास में लगी हुई है, प्रदेश के विकास में लगी हुई है और हम लोग निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं।